अगला प्रश्न है, 1/3 धन 1/3, 1/3 धन 1/3। ये आपके पास दो संभिन्न है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक संभिन्न प्राप्त होगी। संभिन्न क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपर वाला अंश छोटा है और हर का मान अधिक है, अंश का मान कम है, ठीक है ना? या अंश हर से छोटा है इसलिए ये भिन्न संभिन्न है। अब इनको जोड़ेंगे हम, तो जैसे कि मान लो ये आपके पास चॉकलेट है ना, इसके आपने कितने हिस्से करें? 3 हिस्से करें, प्लस फिर एक और चॉकलेट है आपके पास, है ना, इसके कितने हिस्से करें आपने? इसके भी 3 करें। इसमें से एक हिस्सा आप खा गए, एक खा गए, इसमें से भी एक खा गए, तो आपने कितने हिस्से खा लिए बताओ? कितने हिस्से खा लिए आपने? दो हिस्से खा लिए, 1 2 3, तो 2 हिस्से आपने खा लिए, 2 हिस्से आपने खा लिए, यानी कि 2/3, 1 2 3, 3 में से 2 खा गए आप। चित्र के माध्यम से कैसे जोड़ा जाता है भिन्नों को, भिन्नों को चित्र के माध्यम से भी हमने आपको जोड़ के बता रहे हैं हम, है ना? आपको मैंने अभी चॉकलेट से समझाया, है ना, चॉकलेट से समझाया, है ना? अब मान लो कभी ये आपका ऑमलेट है, ऑमलेट तो देखा ही होगा आप लोगों ने, ऑमलेट सबने देख रखा है, हाँ देख रखा है, तो अच्छी बात, ये ऑमलेट है आपका। अब इस ऑमलेट के आपने कितने हिस्से करें? 3 हिस्से करें, कितने हिस्से करें? 3 हिस्से कर लिए आपने, ये 3 हिस्से हो गए, ये 3 हिस्से, सॉरी, ये 3 हिस्से हो गए, कितने हिस्से हो गए इसके? इस ऑमलेट के हमने 3 हिस्से कर लिए, है ना? अब 3 हिस्सों में से एक हिस्सा हम ऑमलेट का खा गए, इस ऑमलेट का एक हिस्सा हम खा गए, प्लस फिर एक और ऑमलेट है हमारे पास, है ना, फिर इसके भी हम 3 हिस्से करेंगे, है ना? अब 3 हिस्से हमने, फिर एक और ये आपका, अब इसमें से भी हमने एक हिस्सा खा लिया, तो अब इस कितने ऑमलेट के कितने हिस्से खा गए हम? 2 हिस्से खा गए, है ना? तो ये हमने यहां पे हम चित्र के माध्यम से कैसे दर्शा देंगे इसको, ठीक है? 1 2, एक तो ये हिस्सा खा गए, एक हिस्सा हम, तो 3 में से कितने हिस्से खा गए हम? 2 हिस्से खा गए। अगर आमलेट से दर्शाना हो या रोटी से दर्शाना हो, ये रोटी है, यूं समझ लो रोटी है, रोटी समझ लो, रोटी तो सबने देखी होगी, है ना? आमलेट शायद किसी ने नहीं भी देखा हो, तो रोटी तो सभी देखते हैं और रोज देखते हैं, सही बात है क्या, है ना? चलो, तो ये चित्र के माध्यम से भी आप सवालों को समझ सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है ना? अगला प्रश्न हम लेंगे, अगला हम प्रश्न लेते हैं, 5/8 धन 1/8, 5/8 धन 1/8, ये प्रश्न है आप, 5/8 धन 1/8। अब इसको मैं चित्र के माध्यम से दर्शाना है, 8 मतलब किसी वस्तु के, आपको किसी वस्तु के 8 हिस्से करना है, 8 समान टुकड़े करना है, 8 समान हिस्से करना है किसी वस्तु के, ये नीचे 8 लिखा ना, तो 8 हिस्से करना पड़ेंगे आपको, किसी वस्तु के 8 हिस्से करेंगे आप, ठीक है? कोई भी वस्तु खाने की हो सकती है, उसके कितने टुकड़े करना आपको? 8 करना है, है ना? जैसे मान लो ये हमारे लिए मम्मी ने रोटी बनाई, है ना, ये मम्मी ने हमारे लिए रोटी बना रखी है, ठीक है? अब ये जो रोटी है कितने टुकड़े हो गए? 2। कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 6। और कितने हो गए? 8। हो गए 8। अब 8 में से हमें कितने खाना है? 5 हमें खाना है, ठीक है? तो 5 को छायांकित कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कितने हिस्से खा गए आप? 1 2 3 4, 4 हिस्से खाएंगे, तो 5 खाना आपने, 1 2 3 4, कितने खा गए? 5 हिस्से खा गए आप, 8 में से 5 हिस्से खा गए, है ना? फिर
ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है। अब इसमें से कितने हिस्से खाना आपको? ओनली एक खाना है, एक दो एक, एक इसमें खा गए तो पांच ये और एक ही है, कितने हो गए? छह हिस्से खा गए आप, एक रोटी के छह टुकड़े खा गए आप, छह हिस्से खा गए, हो जाएगा आपका छह बटे आठ। वन टू थ्री एंड फोर, फिर एक दो तीन, एक दो तीन, हो गए छह, दो दो चार, दो छह हो गए। देखो हमने आपको चित्र के माध्यम से भी भिन्नों को जोड़ना सिखाया, सिखाया कि नहीं सिखाया? चित्र के माध्यम से भिन्नों को जोड़ना सबको आ गया, कठिन है क्या? है ना, तो किस प्रकार से आप भिन्नों को चित्र के माध्यम से जोड़ेंगे ये आपको हमने बताया, ठीक है।